नमस्ते। टेस्टी खाना बनाना में मैं वंदना आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ एकदम क्विक और टेस्टी कुछ मीठे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये क्या है? मखाने का हम बनाएंगे खीर। मखाने का खीर, सीरियसली अगर मैं आपने कभी नहीं खाया होगा ना, तो एक बार ज़रूर बना कर खाना। एक तो हेल्दी भी होता है और इसका प्लस पॉइंट ये भी है कि इसको आप व्रत में भी खा सकते हैं। इतना टेस्टी और क्विक बनने वाली रेसिपी है ये, बहुत पसंद करेंगे आप। चलो हम शुरू करते हैं बनाना। यहाँ पे हमने क्या क्या लिया है, यहाँ पे 2 कप एकदम भर के मैंने मखाना लिया है, ये देखो। और इसमें डालने के लिए थोड़े ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। ये जो है ऑप्शनल है, आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, आप अपने पसंद के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हो इसको। तो मैंने यहाँ पे काजू, बादाम और पिस्ता लिया है और बीच से इस तरह से मैंने इसको काट लिया है। और मैं यहाँ पे अराउंड 1-1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ काजू बादाम, 1 टीस्पून आप पकड़ लो ये है पिस्ता। और ये ऑप्शनल है, अगर मैं आपके पास है, आप पसंद करते हैं तो केसर डालेंगे, नहीं तो ना डालें तो भी बहुत अच्छा ये खीर होगा। इसको मैंने 2 टेबलस्पून ले लिया था मिल्क, थोड़ा सा उसको गर्म करके उसमें मैंने पहले से ही केसर जो है भिगा के रख दिया है। बढ़िया कलर, काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है भिगाने से। 4 टेबलस्पून यहाँ पे लिया है शक्कर। शक्कर कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये कम मीठा रहता है ना तो भी बहुत अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा कम ही डाल रही हूँ। अगर मैं आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, पसंद करते हैं, तो इस जगह पर आप 6 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे तो एकदम बढ़िया प्रॉपर मीठा रहेगा। और इसमें मीठा कम डालने का एक रीज़न ये भी है, जब दूध एकदम थिक हो जाता है ना ऑलरेडी, उसमें काफ़ी मिठास आ जाता है, तो उसको एकदम शुगरी शुगरी आप कर दोगे, एकदम मीठा मीठा कर दोगे, तो बहुत कम ही लोग वैसा पसंद करते हैं। अगर मैं आप पसंद करते हो तो श्योर आप ज़रूर डालें। और यहाँ पर 1/4 टीस्पून मैंने इलायची का पाउडर ले लिया है। यहाँ पर मैंने फुल फैट ले लिया है मिल्क, ये 1 लीटर से ज़्यादा है, दूध कम ज़्यादा आप कर सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा थिक करके इसको बनाऊंगी, एकदम क्रीमी टेक्सचर लाऊंगी, तो इसलिए दूध ज़्यादा लिया है। आप कम दूध में भी बना सकते हैं, अगर नहीं थिक करना है तो जस्ट इसको बॉईल आने देंगे, बाकी सारा इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल के आप इसको बॉईल करके आप इंजॉय कर सकते हैं, ज़्यादा पकाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एकदम बढ़िया टेस्ट चाहिए तो एकदम थोड़ा सा इसको थिक करेंगे ना तो ज़्यादा बढ़िया टेस्ट आएगा। तो ये दूध रख दिया है बॉईल होने के लिए, इसको हमें बॉईल करके इसका 1/3 करना है, तो इसको बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। दूसरे साइड में मैंने एक पैन रख दिया है, हमें मखाना वगैरह थोड़ा सा भून लेना है, सेक लेना है। तो इसमें हम डालेंगे घी, 2 टेबलस्पून एकदम फुल मैंने घी डाल दिया है। घी गरम हो गया है, ये मखाना हमारा जो है इसमें डाल देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे हल्के आंच पे इसको हमें लगातार चलाते हुए भुनना है, सेकना है, जब तक कि ये बढ़िया क्रंची ना हो जाए। देखो कितना सॉफ्ट है ना, जब हम मध्यम आंच पे इसको सेकेंगे बढ़िया इसमें क्रंचीनेस आ जाएगा, तो इसी तरह से हमें इसको सेक लेना है। ये हमारा मखाना सिककर बढ़िया एकदम रेडी हो गया है, देखो थोड़ा सा कलर चेंज भी हो गया है। इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं, ये देखो सेम ही पैन में हम थोड़ा सा और घी डालेंगे और इसमें हमारा जो ये सारे बादाम पिस्ता ये रखा है मैंने, ये सारा एक साथ में ही डाल के एकदम हल्के आंच पे हम इसको भी सेक लेंगे। आप इसमें चाहे तो आप मुनक्का वगैरह भी और भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हो। ये हमारा अच्छे से सिक गया है, इसको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब पूरा फोकस हमें करना है हमारे मिल्क पे। यहाँ पे हमारा दूध अब बॉईल हो रहा है, अब इस पर हमें ध्यान देना है, साइड साइड से इस तरह से हमें चलाते हुए दूध को बॉईल करना है। और ये दिखा दूँ मैं मखाना कितना क्रिस्पी हुआ है, देखो क्रंचीनेस इसमें किस तरह से आया हुआ है, ये हार्ड है थोड़ा सा, ये देखो इसी तरह से हमें सेकना है, ये देखो पाउडर बन जा रहा है ना, ये देखो। और ये जो हमने ये देखो इस तरह का कलर इसमें लाना है हमको। दूध हमारा थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है, अब इसी स्टेज पे हमारा ये मखाना जो है इसी के साथ डाल देंगे पूरा,
अच्छा, कुछ लोग जो है मखाना को थोड़ा सा दरदरा मिक्सर जार में डाल के पीस के डालते हैं, आप उस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगी कि ये दूध में जाके खुद इतना बढ़िया इसको हमें बॉईल करना रहता है, ऑलरेडी ये मेल्ट हो जाता है, पता है इसको पीसने की कोई ज़रूरत नहीं होती। मुझे इसी तरह से पसंद है मखाने का खीर, ताकि खाओ तो बाइट में ये मखाना आप फील कर पाओ, इतना बढ़िया लगता है, आप पीस दोगे तो पता ही नहीं चलता है। और जो जिस तरह से ये मेल्ट होना चाहिए ना, पकने के बाद ना ऑलरेडी ये इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, आधे ज़्यादा मखाना तो ऑलरेडी इसमें मैश हो जाता है अपने आप ही, थोड़ा सा स्पून की सहायता से हम मैश कर देंगे इसी में, और इसको पाउडर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो बना सकते हैं। अब इसको हम बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे, और इसको हम अभी इसको आराम से इत्मीनान से हमें इसको बॉईल करना है, जब तक कि हमारा दूध बढ़िया थिक ना हो जाए। इतना मैंने खीर को बॉईल कर लिया है, 1/3 हो गया है, एकदम थिक हो गया है दूध, इतना ही थिक हमें करना है, क्योंकि ये ठंडा होगा तो और थिक होगा, ये देखो। और इसको मैश कैसे करना है, अगर मैं आपको करना है तो देखो मैं बता रही हूँ आपको, एकदम पकने के बाद ही एकदम सॉफ्ट हो गया है, ठीक है। आप ना चलाते चलाते ना स्पून की सहायता से अंदर ही मैश कर सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए, मैं देखो ये दिखाने के लिए इसमें निकाल के मैश कर रही हूँ, ताकि आप देख सको, समझ सको कि हाँ ये एकदम बढ़िया सॉफ्ट हो गया है, बढ़िया मैश हो जा रहा है, ये देखो। सी अगर मैं मैश करना है तो आप इसी में चलाते हुए साइड साइड में ऐसे कुछ दाने इसका प्रेस कर करके आप मैश कर सकते हैं। तो मैं करूँगी नहीं मैश, क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है ये। अब इसमें हमें क्या करना है, ये हमारा जो शुगर रखा था ये हम डाल देंगे पूरा, और ये केसर का दूध, इलायची पाउडर, और ये जो हमने काजू बादाम पिस्ता रखा था ये पूरा डाल करके इसको 2 मिनट हमें और बॉईल कर लेना है। ये खीर हमारा बनकर रेडी हो गया है, आज को बंद कर देंगे। आप इसका कलर और खीर आप देखो ध्यान से, कितना टेस्टी लग रहा है, मुंह में पानी आ रहा है, सच में बता रही हूँ, इतना टेस्टी ये बना हुआ है। इसको अब हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। ये रहा हमारे मखाने का खीर का फाइनल लुक, ये देखो कितना टेस्टी लग रहा है ना। अब इसको आप चाहे गरम खा सकते हो, कुछ लोग ठंडा खाना नहीं पसंद करते हैं तो ये गरम में भी खा सकते हो, लेकिन जो ठंडा खाना पसंद करते हैं मैं बोलूँगी कि आप इसको ना थोड़ा सा क्या, बिल्कुल ठंडा करके खाएंगे ना, ठंडे ठंडे में ना इसका टेस्ट और निखर के आता है, और हेल्दी भी है, और कितना जल्दी बना भी है ये। ये देखो इस तरह से आप लोग भी मखाने का टेस्टी सा खीर बना करके एंजॉय कर सकते हो। देख के ही मुँह में पानी आ गया होगा ना इस खीर को। अगर मैं आपका उपास है, मतलब व्रत है, फास्ट है, तो आप एक बाउल भर के बनाकर इसको पी लेंगे ना, खा लेंगे ना, तो काफ़ी टाइम के लिए आपको फुर्सत मिल जाएगा, क्योंकि पेट एकदम भर जाएगा और हेल्दी भी होगा। रेसिपी अच्छी लगी हो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, जो नए होंगे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलती हूँ, थैंक यू, बाय।